महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से विधानसभा का घेराव व मोर्चा में शिक्षित युवकों की मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, निजीकरण आदि समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षण किया गया। राज्य अध्यक्ष युवक कांग्रेस कुणाल राउत, प्रदेश युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, सुनील केदार, नितिन राउत, विकास ठाकरे, विलास मुत्तिमवार, सतीश चतुर्वेदी व समस्त कांग्रेस नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। इस मोर्चा में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव अश्विन बैस ने वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद के 8 वर्ष स्थापना पश्चात शासकीय अस्पताल स्थापित नहीं होने से नागरिकों को होने वाली परेशानी की ओर ध्यान आकर्षण किया। मोर्चा में कांग्रेस वाड़ी से अन्य कांग्रेस पदाधिकारी शैलेश थोरानी, अनिल पाटिल, किशोर नागपुरकर, अरुणा पकारे, पंकज फलके, पीयूष बांते, अभिनव वड्डेवार, रितेश दिग्रसे, रोहित रिवादकर, मिथुन वायकर, अमोल केतार, तन्मय, भीमराव कामले, अशोक गडलिंग, मीनाक्षी पाटिल, रूपाली जीवनकर, निर्मला नागपुरकर शामिल हुए। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।